हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह से, और अभी मैं आई हूँ छत पर। और यहाँ पर रखे हैं दो तीन प्लांट, तो इनको लगाना है मुझे। दो तीन दिन हो गए इनको रखे हुए। तो ये अंशु के पापा लेके आए थे, ये है अमरूद और नींबू। तो दो प्लांट हैं अमरूद के हैं और एक प्लांट नींबू का है। तो ये इनको मिले थे जहाँ अपने ऑफिस से, तो वहीं से ये लगा रहे हैं, लगा रही हूँ मैं। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, रखे रखे इसको ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर बस अभी ये, क्योंकि इन प्लांटों को लगाने के लिए थोड़े से बड़े गमले चाहिए होते हैं। तो गमले मेरे अभी सारे फूल हैं, सब गमलों में मैंने कुछ ना कुछ लगा दिया है। तो गमले भी थे नहीं मेरे पास, तो मेरे पास ये कनस्तर खाली रखा था। तो मिट्टी थी इसमें वैसे रखी थी, और वैसे इसमें कोई प्लांट नहीं है, तो इसी में मैंने कहा थोड़ा सा लगा देती हूँ, फिर जब बड़े गमले आ जाएंगे तो बड़े में लगा दूँगी। क्योंकि ये बड़े प्लांट है, थोड़ा सा इनको बड़ा गमला ना अच्छे से भी लग जाता है। तो बस मैं इसमें लगा रही हूँ यहाँ पर। और मौसम हो रहा है एकदम बारिश आने वाला। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया और एकदम स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सबको सावन की तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है 9 अगस्त और सावन का तीसरा सोमवार, और जल वगैरह चढ़ के आ गई हूँ मैं। और आज रखा है मैंने पास, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने सावन का, यानी हरियाली तीज आने वाली 11 तारीख की है। हरियाली तीज और जल तीज का सिंधारा, तीज का सिंधारा और चूड़ियाँ, हरी हरी सब श्रृंगार का सामान जो जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या लाई थी मैं मायके से। और अचानक से ले गई लाइट, लो लाइट भी आ गई है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तीज की सबसे स्पेशल चीज, जो चलिए अब दिखाना शुरू करती हूँ आपको क्या क्या लाई हूँ तीज के लिए। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं अपनी तीज की। तीज की हरी हरी चूड़िया, तो ये तो तीज पे मस्ट है, मैं तीज की हरी हरी चूड़िया। तो ये पहनूंगी तीज वाले दिन। तो इस बार मैं ऐसे लाई हूँ, तो हर बार क्या होता है ना, मैं प्लेन प्लेन लाती हूँ, सिंपल प्लेन ग्रीन और येलो रेड वगैरह। और इस बार मैं सोचा चलो थोड़ा सा इस टाइप का ले लेती हूँ। तो ये अपने आप ही पसंद करके लाई हूँ मम्मी की शॉप से, तो जो मुझे पसंद आई तो वो मैं ये लेके आ गई। अच्छी लग रही थी और डिज़ाइन भी ठीक था, पतला पतला थोड़ा सा, तो ये मैं लेके आई हूँ। तो कभी कभी अच्छी लगती है, वैसे ज़्यादातर मैं जो है ना नॉर्मली प्लेन ही पहनती हूँ। तो ये तो ग्रीन चूड़ी हो गई मेरी, और एक लाई है प्लेन, तो ये प्लेन रेड है। तो रेड तो मेरे पास ऑलवेज रेड, प्लेन में तो रेड ग्रीन येलो तो मेरे पास ऑलवेज रहता ही रहता है, तो ये तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो रेड भी लेके आई हूँ, रेड मेरी खत्म हो गई थी। और दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। तो प्यू के कपड़े हैं, प्यू का है स्कर्ट टॉप, इसको थोड़ा लाइट आ रहा है कलर, वैसे ही पीच टाइप का कलर है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इसका ऊपर का है, तो ये तो प्यूर का ड्रेस हो गया। और अंशु का ड्रेस जो है और मेरा है जो, वो वहीं पर है, क्योंकि अभी हमने फिर जाना है राखी के टाइम पे, और इस वजह से मैं अपना नहीं लेके आई हूँ, और बस ये लाई हूँ। और बाकी पीयू की जी थी चूड़ी, तो पीयू को भी बहुत शौक है चूड़ी वगैरह का, तो उसने भी ले ली पिंक कलर की। और इसमें है मेहंदी, तो मेहंदी भी जरूरी है बहुत तीज पे, तो अभी मैंने लगाई नहीं है तो तीज पे लगाऊंगी मैं। तो दो मेहंदी की क्लिप लाई हूँ तीज पे लगाने के लिए, और एक ये सिंदूर। और बाकी बस मेरे पास सामान था इसलिए मैं लाई नहीं बाकी सिंगार वगैरह का। और एक कोम लाई हूँ, तो बस जो जरूरी लगा मैं वो लेके आ गई, बाकी जो था मेरे पास तो वो मैं लाई नहीं हूँ। और बस अभी बनाना है मुझे घेवर, क्योंकि घेवर मैंने, मम्मी मुझे घेवर दे रहे थे, फिर मैंने बना किया, मैंने कहा रहने दो मैं घर में बनाऊंगी। मम्मी ने चल ठीक है घर में बना लेते, तो क्योंकि मैंने पिछली बार बनाया था काफ़ी अच्छा घेवर बना था और बढ़िया बना था, बच्चों के लिए भी सही था घर में खाने के लिए, और काफ़ी अच्छा बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था। और चलो मैंने इस बार घर में बना लेती हूँ फिर से, तो अच्छा बनेगा, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो घेवर बना लूँगी मैं, और ये मेरा छोटा सा सिंगार वगैरह सामान है, और सूट वगैरह तो कपड़े वगैरह हैं वो अभी वहीं पर है, क्योंकि मैं आधा ही सामान लेके आई हूँ, मुझे फिर जाना है अभी वापस रक्षाबंधन में, तो इसलिए मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं आई, जो मुझे जरूरी लगा वो लेके आई हूँ। और अभी आपको भी दिखाती हूँ प्यू ने ना शीशे का क्या हाल कर दिया है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको।
अब पीहू ने देखी शीशे का क्या हाल कर दिया, ये देखिए इसने पूरा मेरा लिपस्टिक उठाया ऊपर से सारे शीशे पर लगा दिया। और क्योंकि मैं गई थी अभी अंशु के स्कूल तो उसकी कॉपीज वगैरह जमा करे थे, तो देखिए उसने यहाँ क्या हालत कर दी है। बच्चे भी ना बहुत ज्यादा, फिर वो तो बहुत शरारत करने लगे, कभी लिपस्टिक लगा देती है, कभी सिंदूर लगा दिया, शीशे पर लगा दिया पूरा, चलो मुझे अभी साफ करना है। और अभी अंशु पापा भी आज घर में है, दिन का टाइम है, उनकी थोड़ी आज तबीयत सी खराब हो रही है, थोड़ा जुकाम वगैरह सो रहा है, इसलिए वो आज ड्यूटी नहीं गए हैं, बच्चे उधर खेल रहे हैं। उधर चलो। और यहाँ पर आज मैंने थोड़ा सा अपना रूम का सेटअप चेंज किया है और बच्चे लगे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ इसी तरह खेलते रहते हैं, कभी चादर वगैरह इधर उधर बांध के तो ये कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो रूम का थोड़ा सेटअप चेंज करने के बाद थोड़ा अलग सा लग रहा था आज यहाँ पर। और अब शाम का टाइम है और अंधेरा हो गया बिल्कुल, और मैं कर रही हूँ यहाँ पर बर्तन वगैरह सब टूट गए मेरे, अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो बनाती हूँ आलू उबाल दिए हैं मैंने, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, तो बच्चों को तो देखती हूँ आलू का पराठा बना देती हूँ, और बाकी अंशु पापा के लिए रोटी वगैरह बनाऊंगी। तो बर्तन ना बर्तन फिर बिना प्याज लहसुन की प्याज वगैरह की सब्जी बनाओ तो फिर आलू ही सही रहता है, सबसे अच्छा आसान जो होता है ना आलू, जल्दी अपन मत आ जाता है। शाम होते होते मेरी हालत देखे डाउन हो जाती है, पता नहीं क्यों, भूख नहीं लग रही है पर हालत से लो जैसे हो जाती है, तो गर्मी सी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फटाफट से बना लेती हूँ वो आलू बॉयल हो गए, बाकी मेरा सारा काम हो गया, फटाफट से आटा भूनती हूँ, बच्चों के लिए पराठे बनाती हूँ और बस पर्स खोल लेती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ आपसे, मैं ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।